चले इसी बीच आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, रमन सिंह सहित 38 नेताओं को जगह मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान किया गया। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम बनाई है। हालांकि समय समय में इस तरह का बदलाव और इस तरह के ऐलान किए जाते हैं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नितिन धीमान, 2024 से पहले ये नई टीम का ऐलान कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है? नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 नितिन, 2024 से पहले ये नई नियुक्तियां, नई टीम का ऐलान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? और इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ पंजाब के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी मिली है। अब देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जो चल रहा था बीजेपी में, कई बैठकें की गई थी, तो दो अटकलें चल रही थी। एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा, और दूसरा ये कहा जा रहा था कि जो संगठन है उसमें भी बदलाव होगा। तो वो संगठन जो है वो सामने दिख रहा है अब, क्योंकि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं और उसमें 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, एक सह संगठन मंत्री है और राष्ट्रीय सचिव भी 13 बनाए गए। तो इस तरीके से करीब 50 पदाधिकारियों की लिस्ट जो है आज बीजेपी ने जारी की है। और सबसे अहम बात कि पंजाब को जिसमें जरूर जगह मिली है, दो नेता तरुण चुग पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री थे और उनके पद को बरकरार रखा है, उन पर पूरा भरोसा पार्टी की तरफ से बताया गया है। अमृतसर से चुनाव लड़ते रहे हैं वो। इसके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम जो पहले हरियाणा से राज्यसभा सांसद थे, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री लगाया गया है। विनोद तावड़े काफी सीनियर नेता माने जाते हैं, हरियाणा के प्रभारी पहले रहे हैं विनोद तावड़े, तो ऐसे में उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा तमाम अगर लिस्ट पर नजर माने तो पूरे चुनावी समर के हिसाब से देखते हुए तमाम अलग अलग राज्यों के लोगों को इसमें जगह दी गई है, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी जो है वो अपने अपने हिसाब से अब चुनावों में लगाई जाएगी। अगर हम तरुण चुग की बात करें तो काफी अहम जिम्मेदारियां उनको पहले भी पास्ट में दी जा चुकी हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में एक महारैली करवानी हो या अन्य कार्यक्रम करवाने हो, उनको जिम्मेदारियां दी गई। तो ऐसे में पार्टी ने फिर से भरोसा उन पर जताया है। और जो बाकी के अगर तमाम नाम देखें हम, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, इसलिए मैं मेंशन करना चाहता हूं कि जब दूसरी बार हरियाणा में सरकार बनी थी बीजेपी की, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी, चुनाव प्रभारी लगाया गया था और काफी उन्होंने थोड़ा भाग गणित वहां पर किए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब चुनाव में इन चीजों का फायदा दोबारा पार्टी लेना चाहेगी। जी, लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, लेकिन इससे पहले हम सियासत के नजरिए से देखें तो इंडिया और क्विट इंडिया को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस लिहाज से भी ये जो लिस्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां विपक्ष की तरफ से अपना पूरा एक इंडिया संगठन बना लिया गया जी, और अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, 3-5 राज्यों के तो आने ही वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बड़े राज्य हैं और ये राज्यों में जीत हार आगे सुनिश्चित करेगी 2024 में किस तरफ हवा बहेगी। तो इन राज्यों में पार्टी ने पूरा जोर लगाया है, क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे काम रूपरेखा, किसकी जिम्मेदारी कहाँ लगानी है, क्या किस तरीके से पढ़ने को नहीं, यही लोग डिसाइड करेंगे। तो ये अब संगठन क्योंकि तैयार कर लिया गया है, काफी गुणा भाग करके बैठकें करके संगठन बनाया गया है, तो अभी आगे जो लोग आगे काम करना शुरू कर देंगे और इमीडिएट इफेक्ट से नियुक्तियां हुई हैं। इनमें एक चीज गौर करने वाली कि अधिकतर लोगों को टीम में पहले ही रखा गया था, उनको रिटेन करके रखा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि जो टीम में था और उनको सीधा बाहर कर दिया, कुछ हैं चेहरे लेकिन बाकी तमाम लोगों को वहां पर बरकरार रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और ये भरोसा अब 2024 चुनाव में कितना कारगर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल
ये नियुक्तियां हो गई हैं और पंजाब के लिहाज से दो बड़ी नियुक्तियां देखी जा रही हैं। जी नितिन, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो या फिर साउथ की बात हो, वहां पर तो चुनौती बहुत बड़ी रहती ही है, लेकिन अगर पंजाब के संदर्भ में भी बात करें, यानी कि नॉर्थ इंडिया के उसमें बात करें, तो पंजाब के संदर्भ में ये चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के दो एमएलए हैं, और ऐसे में तरुण चुघ को ये जिम्मेदारी मिलना और उन पर दोबारा से विश्वास जताना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। देखिए, पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर हमेशा पार्टी ने चुनाव अकेले नहीं लड़ा था जी, और इस बार अब अकेले लड़ रही है, तो जहां संगठन की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे गांव में कभी संगठन बना ही नहीं, वहां भी संगठन पार्टी को बनाना पड़ रहा है, सिर्फ शहरों तक पार्टी सीमित थी, और इसी लिहाज से कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है बीजेपी में आए लाए गए, और सुनील जाखड़ जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, कांग्रेस को खड़ा किया है, वो अब बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं केंद्र में अब तरुण चुग अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जी। बड़ा एक बूस्टर मिलेगा, और सिर्फ तरुण चुग ही नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा बड़ा चेहरा है पंजाब बीजेपी के, उनको जो चुनाव की समिति है बीजेपी की उसमें और कार्यकारी समिति जो है उसमें दोनों में रखा गया है, तो वो वहां से इस तरीके का पंजाब का संदर्भ रहेगा, फीडबैक की तमाम चीजें वहां से मिल सकती है। और अगर बात करें तरुण चुघ की, तो इन ग्राउंड के शरीके नेता है एबीपी भाजयुमो से लेकर के तमाम ग्राउंड से वो इस लेवल पर पहुंचे हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं और की हार जीत देखी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा, और आगे तमाम चीजों पर देखना होगा कि बिल्कुल नितिन, और ये भविष्य के गर्भ में है कि आखिर होगा क्या और इस नई टीम का, इन नई नियुक्तियों का और इन बड़ी जिम्मेदारियों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।